हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का रूट 3 जो है वो कैसे बनाते हैं। तो रैशनल नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, रूट 3 और रूट 2। रूट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, ये रूट 3। इसमें बच्चों सबसे पहले आपने रूट 2 ही बनाना होता है, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट लेंगे एक नंबर लाइन, और उसमें 2-2 यूनिट्स का, मैंने 2-2 सेंटीमीटर्स का गैप लिया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में थोड़ा सा क्लैरिटी कम होती है, तो 2-2 सेंटीमीटर्स का गैप लेना है। 1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने जो 1 यूनिट का मेजरमेंट लिया है 0-1, जो कि मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, उसको हमने उतनी ही आर्क जो है वो परपेंडिकुलर पर बना देनी है। ओके, तो ये आपका रूट 2 बन जाएगा। रूट 2 के बाद रूट 2 की लाइन से बच्चों हमने अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से जहां पे हमने आर्क लगाई थी। ओके, तो उस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान रखना है आपने मेजरमेंट्स का और पॉइंट्स का बच्चों। तो वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो पॉइंट हमें मिलेगा, कैसे मेजरमेंट करने के बाद, अगेन हमने मेजरमेंट के बाद आर्क लगानी है। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जहां पे हम वो क्रॉस वाला मार्क लगाते हैं, बच्चे वहीं से ज्वाइन कर देते हैं। वहां से ज्वाइन नहीं करना। 1 यूनिट जो आपने ली है उसका आर्क लगाने के बाद आपने ज्वाइन करना है, और बन गया आपका रूट 3। यहां से अगर आप नंबर लाइन पर बनाएंगे तो उतना ही आर्क लेकर आप उसको 2 से पहले यही बनेगा, दैट इज रूट 3। 1.732 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है। ऑल राइट बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।